नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारा आज का अध्ययन बिंदु रहेगा तुलसीदास। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सुंदरकांड एवं लंका कांड से हमारे पाठ्यक्रम में कुछ पद सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि हमारी पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरित है, जिसके संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दीक्षित हैं, आप उस पाठ्य पुस्तक में से इन पदों को देख सकते हैं और इस वीडियो में भी मैंने दिए हैं। और उन पदों का अध्ययन करने से पहले, उनकी व्याख्या करने से पूर्व, मैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय को आज के इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। हालांकि इससे पूर्व के भी कुछ महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे कि MA में, इसके अलावा स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत भी अपलोड किए हैं, जिसमें तुलसीदास जी का जीवन परिचय दिया गया है। परंतु आज की यह वीडियो जो है तुलसीदास जी के जीवन वृत्त पर है, तो मैं अलग से फिर से एक वीडियो बना रही हूँ। और इसका आधार हमारी पाठ्य पुस्तक जो कि भक्ति काव्य सरिता है, वही इसका आधार है तुलसीदास जी के जीवन वृत्त का। क्योंकि अलग से वीडियो बनाने का उद्देश्य यह भी था कि हम यह जो पुस्तक पढ़ रही हैं उसमें जो इनके जीवन वृत्त के संबंध में बताया है, और कहीं कहीं कुछ अलग जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें उनके जीवन वृत्त के संबंध में कुछ और बताया है, जैसे कि उनके जन्म स्थान के संबंध में, जन्म काल के संबंध में। तो हम अपनी पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर ही उनके जीवन वृत्त का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म मूल गोसाई चरित एवं मानस मंगल के अनुसार संबत 1554 माना गया है। हालांकि इस वीडियो में मैंने इनका जीवन परिचय 1511 ईस्वी भी बताया है और 1532 ईस्वी भी बताया है, क्योंकि अगर हम इंटरनेट की कह सकते हैं आधार सामग्री का उपयोग करें या कुछ अलग सी पुस्तकें हैं जैसे कि 10वीं 12वीं की, तो उसमें उनकी जो जन्म काल है वह 1532 बताया गया है। क्योंकि हमारी पाठ्य पुस्तक में इसको 1554 बताया गया है, तो हम हमारी पाठ्य पुस्तक को ही आधार लेकर चलते हैं। इसी प्रकार से घट रामायण के रचयिता एवं राम गुलाम द्विवेदी ने गोस्वामी जी की जन्म तिथि संबत 1598 स्वीकार की है। इस समय संबत 1598 कह सकते हैं कि ही मान्य है। जन्म स्थान के विषय में कुछ लेखक इनका जन्म स्थान हाजीपुर, कुछ राजापुर, कुछ सोरो एवं कुछ अयोध्या स्वीकार करते हैं, परंतु सोरो से संबंधित जो जन्म स्थल बताया गया है वह अधिकतर अप्रमाणिक ठहरता है। अतः गोस्वामी जी का जन्म स्थान राजापुर या उसके आसपास मानना ही उपयुक्त है। तुलसीदास जाति के ब्राह्मण थे, यह सभी ने स्वीकार किया है। गोस्वामी जी के बचपन का नाम राम भोला था, बाद में वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होने पर इनका नाम तुलसीदास पड़ा। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनके गुरु नरहरियानंद ने ही इनका लालन पालन पोषण किया। संबत 1680 में काशी में इनका देहावसान हुआ। गोस्वामी जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। गोस्वामी तुलसीदास लोकनायक रूप में विख्यात हैं। उन्होंने संपूर्ण लोक के विविध पक्षों को अपने सामने रखकर समन्वय का प्रयास किया। तुलसी के पूर्व अथवा परवर्ती किसी भी कवि की दृष्टि इतनी विशाल नहीं थी। कर्म, उपासना एवं ज्ञान में से किसी एक पर बल देने से दूसरे अंग परिपुष्ट नहीं हो पाते। तुलसी के पूर्व कई प्रकार के पंथ पलवित थे, जिनमें से कुछ भारतीय एवं इस्लामिक संस्कृतियों के समन्वय से उत्पन्न हुए थे। कुछ नामपंथी परंपराओं को बल देकर आगे बढ़े थे, कुछ ने भक्ति को स्वीकार किया। आत्मा की उन्नति एवं विविध मार्गों के समन्वय पर किसी का ध्यान नहीं गया। आचार्य शुक्ल ने इन लोगों के उपासना पक्ष को दृढ़ नहीं माना। गोस्वामी तुलसीदास समन्वयवादी थे, उन्होंने सभी मतों का अनुसंधान किया एवं गीता के अनुसार ही दार्शनिक पक्षों का समन्वय किया है। गोस्वामी जी ने पूर्वजों के समस्त ज्ञान को समेट लेने की चेष्टा की है। उनके युग में सबसे बड़ा द्वंद्व शैव और वैष्णवों का था। शैव से तात्पर्य जो भगवान शिव के कह सकते हैं, भगवान शिव जिनकी आराध्य थे वे शैव कहलाए और जिनके आराध्य विष्णु थे वे वैष्णव कहलाए।
तुलसी ने मानस के द्वारा इन मतों के द्वंद्वों का समन्वय किया। तुलसी ने सबकी वंदना की है किंतु मेहता राम चरणों के प्रेम को दी है। उन्होंने मोरे मन असकल्पना करिहो शिव मूर्ति स्थापना के अनुसार शैव एवं वैष्णवों के द्वंद्व को मिटाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम कह सकते हैं रामचरित मानस है, और इसी प्रकार से रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, भरमे रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान वाहक और वैराग्य संदीपनी प्रमुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के औपनिषदिक ब्रह्म रूप को ही स्वीकार किया है। उन्होंने राम के शक्ति, शील और सौंदर्य स्वरूप को आधार बनाकर हमारे अभावों की पूर्ति की है। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में दर्शन और भक्ति का समन्वित रूप मुखरित होता है, परंतु उनकी कविता में श्रेष्ठ काव्य के संपूर्ण तत्व विद्यमान है। चाहे वह भाव पक्ष हो चाहे कला पक्ष हो, दोनों पक्षों का सुंदर नियोजन तुलसी काव्य में मिलता है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के प्रारंभ में ही काव्य के लिए छंद, रस, मंगल तत्वों की अपेक्षा स्वीकार की है। गोस्वामी जी ने शब्द और अर्थ के पारस्परिक संबंध की व्यंजना पर जोर दिया है। इनके माध्यम से ही राम कथा मंगलकारी हो सकती है। वैसे राम कथा कली में पापों का, अर्थात कली से तात्पर्य कलयुग में पापों को दूर करने वाली और समस्त संदेहों का निवारण करने वाली है, क्योंकि गोस्वामी मूलतः भक्ति रस के कवि हैं। उन्होंने अपने रामचरितमानस को मानसरोवर की संज्ञा दी है। काव्य के नवरस इनके जलचर हैं। संत सवा अमराई है, शम, यम और नियम फूल हैं, ज्ञान फल और भक्ति उसका रस है। तुलसीदास जी ने नवों रसों का सुंदर नियोजन मानस अर्थात रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात भी फिर भी राम के मर्यादावादी रूप को ग्रहण करने के कारण श्रृंगार का परिपाक नहीं हो पाया है, क्योंकि तुलसीदास जी के आराध्य श्री राम थे और श्री राम के आधार पर संयोग श्रृंगार का वर्णन करना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी इन्होंने मर्यादावादी रूप को धारण करके ही श्रृंगार रस का वर्णन किया है। खासकर संयोग जो श्रृंगार है उसका बड़ा ही मर्यादित इन्होंने वर्णन किया है अपने रामचरितमानस में। मानस में मानव जीवन की विविध परिस्थितियों एवं भावनाओं का बड़ा मार्मिक चित्र उपस्थित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की समस्त रचना शैलियों को अपनाकर ग्रंथों का प्रणयन किया। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना की है। रामचरितमानस उच्च कोटि का प्रबंध काव्य ही नहीं है, महाकाव्य भी है। इसे आलोचकों ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ स्वीकार किया है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिकाएं आदि रचनाएं मुक्तक काव्य शैली में रचित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास जी के 10 काव्य रूपों दोहा, चपाही वाले चरित काव्य, कवित सवैया, दोहा में अध्यात्म और धर्म, नीति के उपदेश, भरवे छंद, सोहर छंद, विनय के पद, लीला के पद, वीर काव्य के लिए उपयोगी छप्पय, तोमर, नाराज आदि की पद्धति, दोहों में सुगम विचार और मंगल काव्य का उल्लेख किया है। ग्रंथों की रचना की है, पर प्रधानता अवधि की ही है इनके काव्य में। इसके अतिरिक्त भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। डॉक्टर हरदेव वाहरी के शब्दों में, उनमें न तो वीर गाथाओं की कर्कशता है, न प्रेम काव्य की ग्रामीणता और न ही असंगतित तथा विश्रृंखलता। तुलसीदास जी का शब्द चयन पांडित्यपूर्ण है। उनमें वह शब्द चमत्कार तो नहीं जो केशव अथवा सूर में है, परंतु उनकी भाषा की भावात्मकता, रसानुकूलता अथवा उपयुक्तता में किसी को संदेह नहीं हो सकता।
तुलसीदास की भाषा अलंकृत न होकर स्वाभाविक सरस भावाव्यंजक है कि भाषा के समुचित प्रयोग के साथ साथ उन्होंने छंदों अलंकारों का भी बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग किया है। उन्होंने छंदों में दोहा चपाही के अतिरिक्त कुंडलिया सोरठा सवैया घनाक्षरी तोमर त्रिभंगी आदि का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तुलसी के काव्य में यो तो सभी अलंकार मिल जाते हैं परंतु उसमें प्रधानता उपमा और रूपक अलंकार की रही है। अलंकारों के प्रयोग में अतिशय विदग्धता प्रदर्शित की है। यह कह सकते हैं कि तुलसी काव्य में अलंकारों की जो कह सकते हैं अलंकारों के प्रयोग की जो करने की जो पांडित्यपूर्ण पांडित्य प्रदर्शन था वह मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास की कह सकते हैं प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना चैत्र शुक्ल नवमी मंगल संवत 1631 में प्रारंभ हुई थी। वैनी माधवदास जी के अनुसार इसकी समाप्ति संवत 1633 में हुई। तुलसीदास का समग्र व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन इस महाकाव्य में निहित है। कबीर एवं उनके अनुयायियों ने राम नाम का मर्म है आना का जब अद्भुत प्रचार करना प्रारंभ किया था तो उसी समय तुलसीदास जी रामचरितमानस में राम की मर्यादा की प्रतिष्ठा कर राम के मर्म को समझाने में सफल हो सके। कबीर ने मर्यादा की जिस सीमा को संकुचित कर दिया था उसी को तुलसी ने पुनः प्रतिष्ठित किया। श्री राम के औपनिषदिक स्वरूप को स्वीकार कर उन्होंने उनके शक्तिशील और सौंदर्य को आधार बनाकर हमारे अभावों की पूर्ति की है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस को कतिपय आचार्यों ने पुराण महापुराण की संज्ञा भी दी है परंतु यह धारणा समर्थित नहीं है। मानस अपभ्रंश की चरित काव्य परंपरा की रचना है जो धर्म और कथा के लक्षणों से परिपूर्ण है। अतः इसमें अपभ्रंश महाकाव्यों अथवा चरित काव्यों की समस्त विशेषताएं उपलब्ध हैं। श्रेष्ठ महाकाव्य के हेतु सुनियोजित कथानक उदात चरित्रांकन रस व्यंजना महान उद्देश्य गरिमामय उदात शैली का होना आवश्यक है। मानस में उपयुक्त सभी विशेषताएं समाविष्ट है। मानस के कथानक का विभाजन 7 कांडों में किया गया है जो कि क्रमशः हैं बालकांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किष्किंधा कांड सुंदर कांड लंका कांड और उत्तर कांड। इसके कथानक का मूल प्रतिपाद्य है असत्य पर सत्य की विजय अन्याय पर न्याय की विजय रावण का वध और राम का राज्य अभिषेक। इन दो कह सकते हैं वृत्तांतों या कथाओं के माध्यम से उन्होंने असत्य पर सत्य की स्थापना को दिखाया है और समाज में कह सकते हैं मर्यादा के स्वरूप को स्थापित किया है। समन्वय की भावना को उन्होंने अपने इस महाकाव्य के माध्यम से स्थापित किया है। राम आदर्श चरित्र एवं सद्वर्ग के पात्र हैं और रावण असद्वर्ग का। मानस में नवरसों का नियोजन कुशलता के साथ किया गया है। राम के मर्यादा स्वरूप की अभिव्यक्ति के कारण श्रृंगार का परिपाक बलिभांति नहीं हो पाया है। इसका अंगी रस शांति है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रामचरितमानस में नमो रसों का सुंदर नियोजन है परंतु जो श्रृंगार रस है उसका कह सकते हैं मर्यादित स्वरूप की अभिव्यक्ति इस ग्रंथ में की गई है। मूल रूप से सभी रसों का समन्वय भक्ति रस में ही हो गया है। श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का निरूपण राम को नायक एवं सीता को नायिका मानकर किया गया है। मानस का उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति है। इसका उल्लेख मानस के अंत में कर दिया गया है यथा काम ही नारी प्यार जिम लोभ ही प्रिय जिम दाम तीमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाघु मोहि राम।
इसके अतिरिक्त तुलसीदास का उद्देश्य मानस में लोक मंगल की भावना की स्थापना भी था। मानस में राम राज्य की कल्पना इस महत उद्देश्य के प्रकाशन हेतु ही की गई जान पड़ती है, अर्थात लोक मंगल, लोक समन्वयवाद की स्थापना करना, इसी भावना का प्रचार प्रसार करना इस महाकाव्य का प्रमुख उद्देश्य था। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन वृत्त और उनके कृतित्व का अध्ययन किया, और उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस की हमने विस्तृत रूप से जानकारी भी प्राप्त की कि यह ग्रंथ किस प्रकार का है। और इस ग्रंथ का हमने अध्ययन इस वीडियो में इसलिए भी किया है क्योंकि रामचरितमानस में से ही हमारे जो सुंदरकांड है और लंका कांड है उनके पद लिए गए हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि जो रामचरितमानस है उसके सात कांड हैं, और उन सात कांडों में से सुंदरकांड और लंका कांड जो कि पांचवा और छठा कांड है क्रमशः, उसको हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। एक बार पुनः बता दूं, तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने के आराध्य श्री राम थे, उन्होंने श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है, और इनके काव्य में अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं का बड़ा सुंदर प्रयोग मिलता है। और अधिकतर कह सकते हैं इन्होंने अवधि भाषा का, वह भी संस्कृत निष्ठ जो रूप होता है वह उसका उपयोग अपने काव्य में किया है। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।